गुड मॉर्निंग, हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी है आप लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बताने के लिए। आप लोग सभी जानते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 सरकार द्वारा नोटिफाई करवा दिए गए हैं। अजमेर नगर निगम द्वारा अब एक विशेष कैंपेन शुरू करवाया जाएगा जिसमें हम वेस्ट सेग्रीगेशन का कैंपेन डोर टू डोर शुरू करेंगे। अभी आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे ऑटो टिपर जो हैं शहर के सारे 60 वार्ड्स में जा रहे हैं, प्रत्येक घर पर जा रहे हैं। इसमें हमें पब्लिक का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी लोग उन ऑटो टिपर्स में अपना कचरा डाल रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये है, आप लोगों ने इस बार देखा भी होगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में अजमेर शहर की रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिरी है। उसका कारण यही रहा है कि हम लोगों के शहर में जितना भी कचरा जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा वैसे के वैसे लैंडफिल साइट पर जा रहा है। इसका मतलब है कि वेस्ट प्रोसेसिंग जो हो रही है वो बिल्कुल ज़ीरो है। 220 मेट्रिक MSW वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है एक दिन में और वो सारा का सारा लैंडफिल पर जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें ज़ीरो प्रोसेसिंग का एलिमेंट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग इस वेस्ट की प्रोसेसिंग शुरू करवाएं, लेकिन वेस्ट की प्रोसेसिंग करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सॉलिड एंड वेट वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है वो दो श्रेणियों में आता है, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, दैट इज़ गीला कचरा एंड सूखा कचरा, इसको अलग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग एक हाउस होल्ड कैंपेन शुरू करेंगे। हम अभी 5 वार्ड से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम शहर के सारे 60 वार्ड में ये टेकअप करेंगे, जहाँ पर हम प्रत्येक मोहल्ले में जाएंगे, मोहल्ला समिति के साथ मीटिंग करेंगे, पार्षद महोदय के साथ मीटिंग करेंगे और हम फिर लोगों से निवेदन करेंगे कि वह जो सुबह हमारे ऑटो टिपर आते हैं उसमें गीला और सूखा कचरा अलग डालें। अब मैं ये बताना चाहूँगी 2 मिनट के लिए आपको कि गीला कचरा क्या होता है और सूखा कचरा क्या होता है। गीला कचरा वो होता है जो सारा सड़ने वाला कचरा होता है, जो हमारा किचन का या गार्डन का कचरा होता है, जो हमारी सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, जो गार्डन से निकलने वाली पत्तियां होती हैं इत्यादि, जो सारा सड़ने वाला कचरा होता है ये गीला कचरा होता है। जो नहीं सड़ने वाला कचरा होता है एवं जो पेपर और गत्ता होता है वो सारा सूखे कचरे में आता है। तो आपके टेट्रा पैक, आपके दूध की पन्नियाँ, आपके पॉलीथीन बैग्स, आपके जो प्लास्टिक के कप्स होते हैं, जो आपके अन्य जो अदर वेस्ट होता है जो सड़ता नहीं, वो सारे सूखे कचरे में आता है। अगर हमें शहरवासियों से सहयोग मिल जाए और हमें गीला और सूखा कचरा अलग मिलना शुरू हो जाए तो शहर में 4 जगह हम एक बड़े बड़े ट्रांसफर स्टेशन बनवाएंगे। उन ट्रांसफर स्टेशन पे डीकम्पोस्टिंग शुरू करवाएंगे गीले कचरे की और वहीं पर एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी करके होती है जहाँ पर हम कचरा बीनने वाले लोगों को बिठाएंगे, कचरा बीनने वाले परिवारों को बिठाएंगे, उनको आई कार्ड वगैरह देंगे, ग्लव्स देंगे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देंगे, उनको सूखा कचरा हम उपलब्ध करवाएंगे। उस सूखे कचरे को 5 से 10 श्रेणियाँ होती हैं उसमें डिवाइड करेंगे। तो जो उनके काम वाला कचरा होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी कचरा बीनने वाले परिवारों से, उन्होंने बताया कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, जो शीशे की बॉटल्स होती हैं, जो पेपर होता है, जो गत्ता होता है, वो उनके काम आता है और इसको ये आगे बेच देते हैं। तो हम उनको परमिट कर देंगे कि वो अपने लेवल पे इसको बेच दें। जो उनके काम नहीं आने वाला कचरा है वो होता है जैसे टेट्रा पैक्स होते हैं या जैसे दूध की पन्नियाँ होती हैं, ये इनके बिल्कुल काम नहीं आता है, इसको हम और अलग कर देंगे और वहाँ पर उसका कॉम्पैक्शन करके उसके छोटे छोटे पैकेट बनवा कर इसको हम अपनी लैंडफिल साइट जो कि माकूपुरा है वहाँ पर ले जाएंगे। इसके आगे अगले स्टेप में अजमेर स्मार्ट सिटी से ये प्रयास किया जा रहा है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें लैंडफिल साइट को भी पूरा, जैसे शहरवासी जानते होंगे इंदौर हर साल रैंक नंबर 1 पे आता है सफाई में, उसका एक कारण ये भी है कि इंदौर में जो सबसे बड़ी जो वहाँ पर लैंडफिल साइट थी उसको पूरा साफ किया गया था और उस कचरे को प्रॉपरली डिस्पोज किया गया था। स्मार्ट सिटी में हम लोग अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी माकूपुरा साइट है उसको एक बार साफ किया जाएगा, वहाँ पर एक सैनिटरी लैंडफिल बनाई जाएगी। सैनिटरी लैंडफिल का मतलब है कि उसके नीचे उसकी पूरी लाइनिंग डाली जाएगी जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जो कचरे का जो कचरे का जो होता है जो ग्राउंड वाटर में जाके मिलता है वो होना बंद हो जाएगा। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो बिल्कुल मिनिमल है, जो कुल मिला के जो अभी जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका 20 या 30% है सिर्फ, जो फिर लैंडफिल साइट पर जाया जाएगा और फिर उसका बाद में आगे डिस्पोजल होगा। तो इसीलिए हम शहरवासियों से अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग हमें गीला और सूखा कचरा अलग देना शुरू कर दें। ये कैंपेन हम आज ही शुरू कर रहे हैं, आज हम वार्ड नंबर 38, पार्षद जी ललित जी मेरे साथ हैं, सबसे पहले हम इनके वार्ड से शुरू करेंगे, जाकर हम मोहल्लेवासियों से बात करेंगे, अपील करेंगे गीला और सूखा कचरा अलग मिले। उसके बाद हम ज्ञान जी सारस्वत के वार्ड में जाएंगे, वार्ड नंबर 3, उन्होंने 2-3 और वार्ड्स के बारे में हमें बोला है, कुल मिला के 5 वार्ड्स में हमें इमीडिएटली शुरू करवाएंगे।